हेलो एवरीवन, आपका हमारी नई ब्लॉग में स्वागत है। हम उज्जैन की एक अद्भुत यात्रा पर जा रहे हैं, जहां हमें मिलेगी संस्कृति, इतिहास और धार्मिकता। उज्जैन हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उज्जैन सीरीज के डे वन के इस ब्लॉग में हम आपके साथ अपनी रोहतक से उज्जैन की जर्नी शेयर करेंगे। रोहतक से उज्जैन का सफ़र लगभग 780 किलोमीटर है और ये रास्ता कवर करने में लगभग 13 घंटे लगते हैं। हम रोहतक से सुबह 5 बजे निकले, फिर हमने आसोदा से वेस्टर्न पेरिफेरल पे एंट्री की और वेस्टर्न पेरिफेरल से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे होते हुए हम सवाई माधोपुर पे एग्जिट करेंगे। ये वेस्टर्न पेरिफेरल और मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता काफ़ी आरामदायक है, ना कोई भीड़ भाड़ ना ट्रैफिक। बस एक सजेशन हम देना चाहेंगे कि आप अगर अपना ट्रिप बाय कार प्लान कर रहे हैं तो अपने खाने पीने का अरेंजमेंट ज़रूर करके चलें, क्योंकि इस रास्ते पे आपको 5 से 6 घंटे सफ़र करना है और यहाँ आपको खाने पीने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। रोहतक से उज्जैन अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आपका टोटल टोल का खर्चा जो है वो 1345 रुपये आएगा। सवाई माधोपुर जाके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एग्जिट करके लालसोट कोटा मेगा हाईवे पे चलना है। ये रास्ता भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपको बार बार गायें रोड पे मिलेंगी, तो कोई मिस हैपनिंग ना हो तो आप अपनी स्पीड का ज़रूर ध्यान रखें। रोहतक से उज्जैन के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। जम्मू तवी इंदौर एक्सप्रेस 22942 रोहतक से रात 9:12 पर चलती है और सुबह 9 बजे उज्जैन पहुँचती है। ये ट्रेन सिर्फ बुधवार को चलती है, बाकी रोहतक से उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। फिर रास्ते में हम रुके लंच के लिए और हमने यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक लिया। आगे ये रास्ता मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व से होते हुए जाएगा, तो टाइगर रिजर्व में थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना है और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ आपको मिलेगी, क्योंकि व्हीकल्स की स्पीड पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। और ये आप सामने देख सकते हैं कितनी सारी गायें यहाँ रास्ते में हैं, तो ऐसे ही आपको बहुत सारी जगह पे गायें और भैंस रास्ते में आपको मिलेंगी। बस ये थोड़ी प्रॉब्लम है इस रास्ते पे। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये विंडमिल, ये रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। काफ़ी बड़ा साइज़ है इनका और ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में है यहाँ पर। मौसम अच्छा है और आप सामने रेनबो देख सकते हैं। अगर आप उज्जैन ट्रिप बाय कार प्लान कर रहे हैं और आप इतनी ही दूर से आ रहे हैं जितना हम आ रहे हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि 13 से 14 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे इस सफ़र में। और आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं। शाम के लगभग 8 बजे हम उज्जैन पहुंचे। थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे,
हमने स्टे किया हरियाणा सेवा आश्रम में, जहाँ रहने और खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। यह हरियाणा सेवा आश्रम, यहाँ का एड्रेस और नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डे वन की जर्नी। उज्जैन सीरीज़ के इस ब्लॉग में इतना ही। सुबह 5 बजे से निकल के अब हम रात के 8 बजे यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी आरामदायक रास्ता था, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि रोड टूटा है या रोड की कंडीशन ऐसी होगी हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। तो आप इजीली अपना रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।